हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने स्नैपचैट से अपनी जो भी डिलीटेड फोटोज़ हैं स्नैप से, वो सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपना स्नैपचैट ऐसे ओपन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्नैपचैट इस तरीके से ओपन हो जाता है। और अब आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में आता ही आपको अपनी सेटिंग में टैप कर देना है। जैसे आप लोग सेटिंग में क्लिक करोगी, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली सबसे नीचे चले जाना, लॉगआउट के ऊपर माई डाटा का एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही टैप करोगे, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आपको क्या क्या रिकवर करना है। तो इंक्लूड योर मेमोरीज एंड अदर सेव मीडिया, यहाँ से टिक, यहाँ पर टिक कर दो। आपको फाइल HTML फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पर आप लगा दो। और अगर आपको HTML में नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट JSON में चाहिए, यहाँ पे लगा लो। यूज़र इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, लॉगिन, यूज़र प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल, अकाउंट हिस्ट्री, फ्रेंड्स, बिटमोजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। चैट हिस्ट्री आपकी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी, स्पॉटलाइट, शॉपिंग, सपोर्ट हिस्ट्री, और आपकी रैंकिंग एंड लोकेशन, मेमोरीज एंड अदर मीडिया। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो आपके यहाँ पे जो भी फोटो शूट वगैरह जो कुछ भी है आपका स्नैपचैट का, सारी चीज़ रिकवर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट में टैप कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट डाटा, इंक्लूड डेट ऑन एंड सेलेक्ट, चूज डाटा रेंज, कंफर्मेशन, ईमेल वगैरह यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल्टर योर एक्सपोर्ट बाय डेट रेंज ऑप्शनल। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक का करना है ऑप्शनल, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैप करके अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन से मंथ कौन से वीक का करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके अपना ईमेल कन्फर्म कर देना है। आपको जो ईमेल है वो यहाँ पे अपना डाल के आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट होते ही आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, और आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना फिल कर देना है। उसके बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास आपके पूरी डिटेल की PDF आ जाएगी, वो कि आप लोग डाउनलोड करके अपनी सारी फ़ोटोज़ रिकवर कर सकते हो।